दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शुक्रवार को प्रेमचंद का महत्व विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह और विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के प्रोफेसर अवधेश कुमार शुक्ल मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं को प्रेमचंद जी की जीवन का परिचय के बारे में बताया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राएं और प्रोफेसर मौजूद रहे। कि आज हिंदी विभाग में पीएचडी मौकी के अवसर पर भी जी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मनोज जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, हमारे आदरणीय शुक्ल जी पधारे हैं। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय जी से अनुरोध कर रहा हूँ और विभाग को प्रति आज हम सब लोगों के लिए वास्तव बेहद खुशी का मौका है और जिसकी चर्चा प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी ने अपने संयोजित वक्तव्य के बिल्कुल आरंभ ही कर दिया है कि पीएचडी की मौखिक परीक्षा संपन्न कराने के लिए हमारे देश के दो अकादमिक महत्व के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों या कि कहें दो विश्वविद्यालयों से आए हुए हमारे अतिथि आचार्य हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें इनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों की ओर से, पूरे विभाग की ओर से, शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से अपने दोनों अतिथि आचार्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उसमें देखिए, इस दो बड़े विश्वविद्यालयों के आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी से आप में से अनेक लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इसके पहले भी पीएचडी के वायदा के लिए इस विभाग में उनका आना हुआ है और पिछले दिनों जिस समय हम लोग भक्ति साहित्य और भारतीय समाज विषय पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे थे, उसमें दूसरे दिन के एक बड़े महत्वपूर्ण विचार सत्र में उनकी उपस्थित हुई थी और मुझे याद है कि उसके बाद मिलने वाले आप में से अनेक शोधार्थियों की, अनेक लोगों की जो प्रतिक्रिया थी मनोज जी के वक्तव्य के बारे में, बार बार वो विद्यार्थी याद करते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस विशाल परिसर में। तो प्रेमचंद के बहाने अगर कोई हिंदी संस्थान, हिंदी का कोई अकादमिक जगत अपना समूह कर रहा हो तो ये उसके लिए यह भी एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है और ये अवसर बन पड़ा है। मित्रों, जैसा अनिल जी ने इतिहास की बात की, बात से ही बात निकलती है। देखिए, इतिहास तो वही लिखता है, वो जातियां इतिहास को संकलित करती हैं, इतिहास का संचयन करती हैं, इतिहास को लिपिबद्ध करती हैं, जो मृत जातियां होती हैं, जिनकी, जिन्हें स्मृतियों को बचा के रखने की जरूरत होती है। औपनिवेशिक दौर में हमारी बहुत बड़ी जरूरत थी क्योंकि हमें हमारी स्मृतियों से काट दिया गया था। तो इतिहास लेखन की एक बड़ी परंपरा, प्राचीन इतिहास में बनारस एक बड़ा सेंटर रहा है और प्राचीन इतिहास का विभाग जहां भारत को खोजने की, इतिहास के विद्यार्थियों ने, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों ने भारत को खोजने की एक मुहिम चली थी, क्योंकि लंबे समय से, करीब 150 साल 200 साल की औपनिवेशिक सत्ता ने निरंतर हमको हमारी स्मृतियों से काट दिया था। लेकिन साहित्य की दुनिया में ऐसा नहीं था। जब भी मैं साहित्य को देखता हूं तो मुझे लगता है तो कल की ही बात है जिसे आज का लेखक आगे बढ़ा रहा है, उसमें एक गजब की निरंतरता। मैं 2 मिनट में बस आपको इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कुछ सूत्रों के सहारे कि 10वीं शताब्दी जब भारत की जमीन पर एक नई तरह की संस्कृति उपस्थित होती है और उस संस्कृति से भारत की स्थानीय संस्कृतियों का संवाद शुरू होता है, जिसे हम हिंदी जाति के निर्माण का प्रारंभिक काल भी कह सकते हैं, उस 10वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी के आज तक लगभग एक तरह की चुनौतियां, एक धारा बह रही है, उसमें बहुत सारे अवरोध हैं और उस अवरोध को दूर करने के निरंतर साहित्यिक प्रयास जारी हैं। गोरखनाथ को आप याद करिए, हम सिद्धों के साहित्य से हिंदी की, हिंदी भाषा की रचनात्मक उपयोग की बात को जानते हैं, शुक्ल जी जिस तरफ संकेत करते हैं, लेकिन उनके साथ था कि उस समय जब वो लिख रहे थे तब इस्लाम के रूप में एक दूसरी संस्कृति भारत में उस तरह से उपस्थित नहीं थी। लेकिन 10वीं शताब्दी, गोरखनाथ को आप याद करिए, उनके समय का भी इसलिए भेद मिट जाता है कि गोरख के साहित्य में किताब उपस्थित है, कुरान उपस्थित है, मंदिर उपस्थित है और मस्जिद उपस्थित है।
और गोरख की और जो भी महत्व हो, जहां से मैं हिंदी जाति की चुनौतियों को और हिंदी जाति का जो रचनाकार है, हिंदी जाति का जो रचनात्मक व्यक्तित्व है, वो किस संकट से लड़ रहा है, तो गोरख कहते हैं जब कि ना मंदिर ना दे ना मस्जिद ना देहुरा, कि ना हमें मस्जिद से काम है ना हमें देवालय से काम है। अब आप इस धारा को, मैं बहुत तेजी से यात्रा कर रहा हूं इतिहास की, स्मृतियां हमसे कटी हमारे साहित्यिक जगत में, साहित्य के इतिहास में, साहित्य के जीवन में स्मृतियों से हम कभी कटे नहीं रहे। अचानक तुर्कों के आने के बाद का समय और उसके बाद की जो पहली महत्वपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति है कबीरदास की, और जब वो कहते हैं ना हिंदू ना मुसलमान, ये मोटे तौर पर 400 वर्ष हो गया लगभग, और इन 400 वर्षों में एक क्राइसिस है हिंदू और मुसलमान की, और ये क्राइसिस मलिक मोहम्मद जायसी के भीतर भी है, लेकिन वो इन दोनों से थोड़ा इतर होकर के एक बातचीत करता है। ये दोनों कहते हैं कि एक मनुष्यता की तलाश करते हैं, कि मनुष्य का होना, मनुष्य के पक्ष में, मनुष्य के जीवन, मनुष्य को ज्यादा रचनात्मक बनाने का प्रयास, लेकिन इन दोनों के भीतर से उतर करके संवाद करने की जो पहली कोशिश है, पहली मुठभेड़ है, वो मलिक मोहम्मद जायसी अवध के प्रांत में करते हैं।